दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं लगातार आर्मी स्पेशल बेंच। हमारा टॉपिक है औसत और आज हमारी तीसरी वीडियो है औसत को लेकर के। अब तक की जितनी भी वीडियो हमने इस बेंच में पढ़ी है दोस्तों, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, औसत का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद हैं उनका योग और उनकी संख्या। तो आज इसी को देखते हैं हम। आप पहले सवाल की शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि पहला सवाल है 5, 3, 10, 2 का औसत क्या होगा। 5, 3, 10 और 2 का औसत क्या होगा दोस्तों। तो जैसे कि आपको बताया गया, औसत निकालते हुए हमें करना क्या है दोस्तों, पदों का योग सभी को जोड़ लेना है। 5 और 3 कितने दोस्तों, 8। 8 और 10 कितने दोस्तों, 18। और 2 जोड़ के कितने दोस्तों, 20। तो पदों का योग कितना आया दोस्तों, पदों का योग इन सबको जोड़ के कितना आया दोस्तों, 20। और इनकी संख्या 1, 2, 3 और 4, और इनकी संख्या हुई 4। अब इस 20 इन पदों के योग को, जो कितना आया है 20, और इनकी संख्या जो कितनी है 4, भाग कर दीजिए दोस्तों, 4 × 20। इस तरीके से इस सवाल का आंसर आया है 5। तो औसत हुआ इस सवाल का दोस्तों 5। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 4, 6, 7, 10, 8 का क्या बताना है दोस्तों, औसत बताना है। और जैसे कि हम समझ गए हैं कि औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग, केवल योग लिख लेते हैं दोस्तों, बटे उनकी संख्या। तो यहां पे देखिए दोस्तों, योग क्या होगा, देखिए पहला मान क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, 10 और 8। जोड़िए दोस्तों, 4 और 6, 10, 10 और 7, 17, 17 और 10 कितने दोस्तों, 27, 27 और 8 कितने दोस्तों, 35। तो योग कितना हुआ दोस्तों, 35। और इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कितने हुए दोस्तों, ये 5वीं गिनती में। तो 4, 6, 7, 10 और 8 को जोड़ के आया दोस्तों 35, इनका योग हुआ 35 और इनकी संख्या है 5। तो इस 5 से 35 को भाग कर दीजिए, तो 5 × 35। इस तरीके से इसका आंसर हुआ दोस्तों औसत का 7। तो देखिए दोस्तों, हमारे अगले सवाल, प्रश्न संख्या 3, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, और जैसे कि हम अब तक की 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं दोस्तों औसत के बारे में, कि विषम संख्याओं में विषम संख्याएं जितनी हैं वही क्या होगा दोस्तों, औसत होगा। विषम संख्याएं कितनी है 4, तो इसका औसत भी कितना होगा दोस्तों, 4। ये बात हम समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसका आंसर कितना आया, यहाँ पे 4 संख्या है तो औसत भी कितना हुआ, 4। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो संख्या कितनी दी है दोस्तों, 5। तो इसलिए औसत कितना होगा, 5 से 1 बढ़ के कितना, 6। इसमें तो जो का तो आंसर और इसमें एक प्लस करके आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, हम इन्हें लिख के कर दे देंगे। प्रथम 4 विषम संख्या, प्रथम 4 विषम संख्या लिखिए 1, फिर कितनी 3, 5 और कितनी 7। तो ये है हमारी प्रथम 4, 1, 3, 5 विषम संख्याएं, और हम इनका औसत चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको 2 तरीके बताए हैं इसमें। एक तो अभी जो हम बात की है पदों का योग बटे पदों की संख्या, कि अगर हम 1, 3 जोड़ ले 4 और 5, 9 और 7 कितने दोस्तों, 16, और भाग कर दे किससे, 1, 2, 3, 4 से, इन सबको जोड़ लिया तो 16, और संख्या है 4, 4 से भाग किया दोस्तों तो 4 × 16 तो ये कितना है 4। या फिर आपको ये भी बताया गया है कि जिनमें अंतर समान हो दोस्तों, उसमें आप केवल क्या कर सकते हैं, पहली संख्या ले, अंतिम संख्या ले और 2 से भाग कर दे। तो 7 और 1 8 बटे कितना, 2, 2 × 8। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट तरह समझ में आए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया, देखिए हम किसी भी तरीके से निकाल लें, जैसे कि हमने बताया विषम जितनी संख्या होगी वही औसत होगा, या 4 संख्या है तो 4 ही औसत। हमने आपको दिखाया पदों का योग 16 और उनकी संख्या 4, तो 4 × 16 तो देखिए यही आंसर है। और हमने एक भी आपको एक तरीका बताया था कि अंतर, अगर अंतर समान है तो पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़े और 2 से भाग कर दे,
तो पहली एक तो अंतिम सात, और दो से अगर हम भाग करें तो सात और एक जोड़ के आठ, और भाग दो, दो चौक आठ, तो आंसर कितना है दोस्तों, देखिए प्रत्येक बार चार ही आंसर आया है आपका, चार ही आया है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम यहाँ पे भी ये लागू कर सकते हैं, प्रथम पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत, प्रथम पांच क्रमागत सम संख्या, सम संख्या दोस्तों क्या संख्याओं पे एक पूरा ऊपर वीडियो है दोस्तों, जरूर देख लें। तो क्या है सम संख्याएं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, पहली संख्या दो, अगली संख्या चार, फिर छह, आठ और कितना दोस्तों दस, ये है प्रथम पांच क्रमागत सम संख्या। और जैसे कि आपको बताया कि आप इसमें भी ये नियम लगा लीजिए कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए और दो से भाग कर दीजिए, तो देखिए दोस्तों कितना हुआ, दस और दो बारह हुए, और दो से अगर आप भाग कर दें तो दो छिक बारह हुए दोस्तों, तो देखिए दस और दो कितने बारह, बारह को भाग किया किस से दो से, तो दो छिक बारह, तो आंसर कितना दोस्तों छह। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बेहद ही बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है, प्रश्न संख्या पांच, चालीस, दस, पच्चीस, बीस, पैंतीस एवं एक्स का औसत कितना है दोस्तों, पच्चीस दिया है और कहा है कि तो एक्स का मान क्या होगा, अगर इन सभी का औसत कितना है दोस्तों पच्चीस है, तो इसमें जो एक्स है उसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमें संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, चालीस, दस, पच्चीस, बीस, पैंतीस और एक एक्स, और ये मान हमें इसको बताना है, और औसत है दोस्तों पच्चीस। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में हमने समझाया था कि औसत क्या है, बेसिकली एक बैलेंसिंग नंबर है जहां पे हर एक संख्या को बैलेंस करने का, संतुलित करने का प्रयास करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों अगर हम उसी इंट्रोडक्शन के मेथड से हम इसे करें तो कैसे करेंगे, हमने ये कहा दोस्तों कि देखिए हम हर नंबर को औसत 25 होने से मतलब है कि हर नंबर को हमें 25 करना है, प्रत्येक नंबर को हम 25 करेंगे, तो जिसके पास ज्यादा है उसे कम वाले को दे देंगे, इस तरीके से पूरा बैलेंस बनाएंगे और कुल मिला के हम एक्स का मान इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पता करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स है दोस्तों वो 25 हो गया, उससे कम हो गया, ज्यादा होगा, कैसे पता लगेगा, तो देखिए दोस्तों हमें क्या बढ़ाने हैं, सभी 25 बढ़ाने हैं, 25, तो समझिए ये तभी तो कहलाएगा ही, ये भी क्या रखना है हमें 25 ही रखना है। तो औसत 25 का मतलब है कि प्रत्येक मान को 25 कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों ये 40 है, ये 25 करना है, तो ये कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, तो यहां से 15 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम कर दें हम। यहाँ पे देखिए 10 दोस्तों, 10 है, 10 को हमें 25 करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ 15 जोड़ दें, तो इसके 15 इसको मिल जाए, ये भी 25, ये भी 25, बैलेंस हो गया दोस्तों, इनका बैलेंस 25 पे हो गया, ये 25 है ऑलरेडी दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोस्तों क्या है, देखिए 20 है, ये 25 है, तो क्या करेंगे आप, ये 5 कम है दोस्तों, ये 5 कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इसे क्या चाहिए दोस्तों, ये 5, और ये कितना है दोस्तों, ये देखिए 35 है, और 35 कितना अधिक है, 10 अधिक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ये 15 ज्यादा था, ये 15 क्या था दोस्तों, कम था, देखिए ये 15 ज्यादा था और ये 15 क्या था, कम था, तो प्लस के 15 और माइनस के 15, तो इनका तो संतुलन हो गया, ये 25-25 बैठ गए, ये 25 है ही दोस्तों, ये 20 है, ये 5 कम है, ये 35 है, 10 ज्यादा है, तो ओवरऑल देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 कम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टोटल 0 बैठना चाहिए, टोटल सम नीचे वालों का 0, ये और ये 0 हो गई। अब देखिए -5, -5, -10 और 10 जीरो हो जाएंगे दोस्तों, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ 5 कम होने चाहिए, जैसे यहाँ 5 कम है तो यहाँ वैल्यू कितनी है दोस्तों 20, तो इसका मतलब एक्स का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, हमारा 20 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एक तो तरीका ये हुआ दोस्तों कि हमने इस तरीके से इनका संतुलन किया। एक बहुत ही सरल सा तरीका क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे उनकी क्या दोस्तों, संख्या, पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि औसत कितना है 25 है, तो औसत कितना दे दिया 25, योग करें दोस्तों 40 और 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 कितना दोस्तों 95, 95 और 35 कितना दोस्तों 130 हुआ दोस्तों, प्लस कितना दोस्तों x, तो ये हुआ पदों का योग। हमने इस संख्या, इस संख्या, इसको 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 जोड़ लिया, 40, 10, 50, 75, 95 और 35, 130 प्लस x, कितनी संख्या हुई दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो दोस्तों ये कितनी हुई 6 हुई। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे दोस्तों, ये है भाग में दोस्तों, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, तो ये संख्या इधर क्या आएगी गुणा में, तो कितने हुए दोस्तों 25 छिके 150, 25 और 6 की गुणा कितनी हुई 150, बराबर कितना दोस्तों 130 प्लस कितना x, अब ये 130
बराबर से इधर आएगा दोस्तों, इधर छलांग लगा जाएगा तो ये अपना चिन्ह बदल जाएगा। तो ये है यहाँ पे फिलहाल प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मान रहे हैं, तो इधर ले आए तो माइनस हो गया, तो 130 बराबर कितना x। तो देखिए दोस्तों 150 में से गए 130 तो हमारा आंसर कितना आया है 20। तो एक तरीका ये हुआ दोस्तों। और एक जैसे कि ये बताया कि टोटल आपको जीरो रखने हैं, टोटल आपको जीरो रखने हैं, प्लस के 15 माइनस के 15 हो गए जीरो, माइनस 5 प्लस के 10 माइनस 5 और चाहिए दोस्तों, तो 25 हो सकता है, माइनस 5 करते कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, ये भी 20 आया वो भी 20 आया। देखिए अगला, तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा, 11 12 13 और 14 x का औसत कितना है, 13 है, तो x का मान क्या होगा। तो जैसे कि आपको हमने पहले मेथड के अनुसार बताया कि अगर इनका औसत क्या है दोस्तों 13 है, तो सभी को हमें क्या करना है 13 पे लेके आना है, जो ज्यादा है कम है, और टोटल क्या रखना है दोस्तों जीरो। ये देखिए क्या है 11 है जो कि क्या है 13 से 2 कम है, ये 12 है ये 1 कम है, ये 13 ही है दोस्तों, ना ज्यादा ना कम, ये 14 है तो ये कितना है दोस्तों 1 क्या है ज्यादा है। अब देखिए जैसे कि आपको बताया कि बैलेंस रखिए जीरो करके टोटल, ये तो जीरो हो गए, ये माइनस 2 है दोस्तों, इधर क्या चाहिए, क्या चाहिए प्लस के 2 चाहिए, तो x का मान हमें 13 भी रखना है प्लस 2 भी करने हैं दोस्तों, तो x का मान क्या हुआ दोस्तों 13 प्लस 2, इस तरीके से x का मान कितना हो गया दोस्तों 15। तो एक तरीका तो ये हुआ हमारा दोस्तों कि माइनस 1 प्लस 1 ये जीरो हुए, ये माइनस 2 ये प्लस 2, तो ये देखिए ये माइनस 2 था ना, तो हमें यहाँ प्लस 2 चाहिए थे, तो 13 तो रखना ही रखना है, 13 और 2 जोड़ दिए दोस्तों, तो कितना आ गया आंसर 15। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे सिंपल कर ले, साधारण फॉर्मूला लगाएंगे कि औसत बराबर क्या होता है योग बटे उनकी संख्या। तो दोस्तों औसत क्या है, औसत है हमारा 13, हमने लिखा यहां पे 13 और योग क्या है 11 और 12, जोड़िए दोस्तों कितने हुए 11 और 12 23, 23 और 13 कितने हुए दोस्तों 23 और 13 कितने हो गए आपके 36, 36 और ये कितने दोस्तों 14, जोड़ दीजिए इनको कितने हुए दोस्तों 50 हुए, और ये कितना दोस्तों x, तो 50 प्लस x और संख्या कितनी दोस्तों, अच्छा 11 12 13 और 14 और x को जोड़ के आया दोस्तों 50 प्लस x, और 1 2 3 4 और ये है संख्या है 5। इस तरीके से दोस्तों इसके गुणा यहाँ पे 13 5 65 और ये कितना दोस्तों 50 और ये प्लस x, ये हमने इधर दिया घटा, और इस तरीके से 65 में से गई 50 और हमारा क्या आया दोस्तों x। तो बताइए 65 में से 50 घट के कितने आए दोस्तों 15, तो x का मान क्या हो गया दोस्तों 15 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये सवाल हुआ। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो क्या कहा है दोस्तों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो कौन सी होंगी दोस्तों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, 1 प्लस 2 3 4 5, इस तरीके से दोस्तों कहां तक 50 तक। तो ये है दोस्तों हमारी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लगा के कहां तक दोस्तों 50 तक, प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं का औसत बताना है दोस्तों। और जैसे कि आपको बताया गया इनमें अंतर क्या है दोस्तों समान है, देखिए 2 और 1 में भी अंतर कितना है 1 का, 3 और 2 में भी क्या है 1 का, तो अंतर क्या है दोस्तों समान। और ऐसे में आपको औसत निकालना हमने बताया है दोस्तों, क्या क्या बताया है हमने आपको, पहली संख्या दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या और भाग कितना 2, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। तो देखिए दोस्तों पहली संख्या क्या हुई 1, अंतिम संख्या क्या हुई 50 और भाग कितना 2। इस तरीके से देखिए दोस्तों 51 भाग 2 और जो कि आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कितना होगा 25.5। अगर नहीं समझे तो भाग कर ले दोस्तों 2 से, 2 दुनी 4 घटा के कितना 1, 1 आया दोस्तों 2 पंजे 10 घटा के कितना 1 पॉइंट लगा के दोस्तों 0, 2 पंजे 10, तो क्या आया दोस्तों यहाँ पे 0 है, तो कितनी बार कटा है दोस्तों 25.5 बार, और यही सवाल का आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों कितनी सरलता से हमने सवाल किया, आगे बढ़ो। तो देखिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसे कि अभी किया वैसे ही दोस्तों प्रथम
80 प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? 1 + 2 + 3 कहां तक दोस्तों? 80 तक। तो ये है दोस्तों हमारी प्रथम 80 प्राकृतिक संख्या, 1 से लगा के कहां तक? 80 तक। और जैसे कि आपको बताया गया कि देखिए दोस्तों अंतर क्या है, समान है, अंतर क्या है, समान है। तो जैसे कि अभी अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया बिल्कुल सेम टू सेम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, यही क्या होगा दोस्तों हमारा औसत। तो लिख देते हैं दोस्तों, पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 80 और भाग कितना? 2। तो 80 और 1 81 और भाग कितना? 2। तो देखिए दोस्तों भाग कर देते हैं, चलिए कर देते हैं, यहाँ पे 81 को भाग करेंगे किससे? 2 से, 2 चौक 8, घटाए तो क्या कुछ नहीं दोस्तों, क्या करिएगा एक उतारिएगा, और अगर यही शेषफल है तो क्या लगाएंगे? 0, और पॉइंट लगाने के बाद आएगा 10, है ना, 0 आएगा मतलब 10 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, तो कितना हुआ दोस्तों? तो भाग देके कितना आया 2 से 81 को 40.5, कितना है दोस्तों 40.5। तो ये हुआ इस सवाल का आंसर। तो अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम 99 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो खैर प्रथम 99 धन पूर्णांक, तो देखिए दोस्तों धन से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, धन का केवल मतलब क्या है? पॉजिटिव। और पूर्णांक आप जानते ही हैं कि पूर्ण संख्या है दोस्तों, तो धन पूर्णांक कौन से होंगे पहले बताइए, 99 धन पूर्णांक पॉजिटिव है। देखिए 0 तो पॉजिटिव नहीं होती, माइनस भी पॉजिटिव नहीं होते, तो शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? 1 से, 2, 3 और इस तरीके से बात कहां तक जाएगी दोस्तों? 99 तक। तो यही दोस्तों अगर हम इन्हें बोल देते कि प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याएं, तो यही हमारी क्या है? प्रथम 99 धन पूर्णांक, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और प्रथम 99 है दोस्तों। तो इनका औसत हम उसी तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि इनका भी अंतर क्या है दोस्तों, समान है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी आगे भी ऐसे ही आएगा, मान लीजिए 4 लिखा 5 लिखा, सबका अंतर एक एक, यानी कि अंतर समान। तो दोस्तों अगर अंतर समान तो औसत कैसे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या है दोस्तों? 1, और अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? 99, और भाग किससे करना है दोस्तों? भूले नहीं, 2 से। तो 99 और 1 कितना दोस्तों? 100, और भाग करेंगे हम किससे? 2 से। ये बड़ा सरल है दोस्तों, 100 को 2 से भाग करके कितना आया? 50 आया, यही हमारे सवाल का जवाब हुआ। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है, प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अविभाज्य से घबराए नहीं दोस्तों, अविभाज्य कुछ अलग नहीं, अभाज्य ही है, यह बता रहा है अभाज्य को ही, प्राइम नंबर। जैसे कि आपको हमने संख्या वाली वीडियो में बताया है कि अभाज्य क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं केवल जिनके ठीक ठीक दो ही फैक्टर हो, जो केवल खुद से और एक से कटती हो, वही संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य। और हम बात कर रहे हैं प्रथम 5 की। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने आपको सिखाया है कि यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या होगी 2, अगली होगी 3, उससे अगली हुई 5, और दोस्तों फिर क्या हुई? 6 नहीं होगी, 7, और फिर कितना दोस्तों? 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, फिर कितनी दोस्तों? 11। तो ये हुई हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जिनका हम बताना चाहते हैं दोस्तों औसत। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, अब तक जो हम नियम लगा रहे थे वह अभाज्य संख्याओं पर बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे अंतर कितने का? 3 में से 2 घटाइएगा 1 आएगा, 5 में से 3 का अंतर करिएगा 2, 5 और 7 का 2, जबकि 7 और 11 का अंतर कितने है दोस्तों? 4। तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं नहीं है दोस्तों, और नहीं है तो मेथड नहीं लगेगा, कौन सा? कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इसलिए साधारण बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं दोस्तों कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो देखिए दोस्तों चलिए योग कर लेते हैं, तो जोड़ेंगे हम इन पांचों संख्याओं को, 2 में जोड़ा हमने 3, 5 हुआ, 5 और 5 जोड़ के हुए 10, 10 और 7 17, और 17 में जोड़े 11 तो हुए दोस्तों कितने? 28। और संख्याएं हैं कितनी? 1, 2, 3, 4 और 5। अब भाग दे दीजिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों भाग देंगे हम 28 को इससे, 5 से, 5 × 5 = 25, घटाइए तो कितना आया दोस्तों? 3, पॉइंट लगाए तो 0, और ये 5 × 6 = 30। इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों हमारा औसत कितना आया है? 5.6। यही हमारे इस सवाल का आंसर हुआ।
देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।